हेलो दोस्त, ट्विटर पे दो तीन मेरे पास मैसेज आए हैं। RRC ग्रुप डी मोडिफिकेशन लिंक का कंपेनियन चल रहा है, हमें भी पार्टिसिपेशन लेना चाहिए। तो हम आपसे शुरू से ही बोले थे जब आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम का हुआ था कि देखिए हमारा काम है कि हम कह सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कि रेलवे कितना मांगेगा। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट कंडीशन है क्योंकि एग्ज़ाम तो रेलवे को ही लेना है, चाहे कहने से ले या न कहने से। कुछ लोग इसको बोलते हैं कि मैंने बोला इसलिए ले लिया, ये थोड़ा सा गलत फहमी है, इसको थोड़ा सा दूर करने की ज़रूरत है। तो चलिए, डिमांड जब तक नहीं रखिएगा तब तक तो कुछ होगा नहीं भारत में। तो कुछ लोगों को डिमांड है ग्रुप डी की मॉडिफिकेशन लिंक चाहिए, लेकिन मेरा वीडियो का टॉपिक क्या है तो आप समझ ही गए होंगे कि एग्ज़ाम का सिलेबस है और जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक तो सिलेक्शन नहीं होगा। आंदोलन तो ज़रूरी है लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, एक एक टॉपिक को हम लेके यहाँ पे आएंगे। लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आएगा कि कैसे आया, तो देखिए मुझे मॉडिफिकेशन लिंक में पता चला, मेरा यूट्यूब आपका ट्विटर का मेरा हैंडल है उसमें से मुझे दिखा, कई लोगों ने ट्वीट करके मुझे अपने में जोड़ा तो मुझे मैसेज आया जिसमें रेलवे लाइफ LP आप देख सकते हैं। इसके बाद मुझे पता चला, हालांकि मैं इतना एक्टिव नहीं रहता आपका ट्विटर पे, 404 लोग ही फॉलोअर हैं तो मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता। तो अगर आप भी कुछ डिटेल देना चाहते हैं तो हम आपके साथ यहाँ पे कुछ शेयर करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते क्योंकि इतनी टाइम थोड़ा सा नहीं है। तो यहाँ लोगों का डिमांड है, ठीक है, अपने लोग डिमांड में लगे हुए हैं, ज़रूरत इनकी आवश्यकता है। तो लेकिन यहाँ बात करने वाले हैं इस वीडियो में 4-5 टॉपिक की। पहला, एक तो सबसे पहले कह दें कि ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट कब तक क्लियर होगा। तो आपका 12 का कैंपिंगन चला था, लोगों का कैंपिंगन में बहुत लोगों ने भाग भी लिया था, अच्छी पार्टिसिपेशन भी थी, लेकिन अभी तक तो कोई डिटेल नहीं आया है। आज है 18 तारीख, यानी 6 दिन गुजर गए हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि हम उम्मीद पे रहें कि रेलवे जल्दी से जल्दी इसका डेट करें, और एक्सपेक्टेड है कि अगर कोविड थर्ड वेव नहीं आएगा तो एग्ज़ाम 15 अगस्त के बाद कभी भी पॉसिबल हो सकता है, इतना उम्मीद है। लेकिन एग्ज़ाम लेना रेलवे का काम है, लेकिन पढ़ना तो हम समझ सकते हैं कि हमारा काम है। तो यहाँ पे हम सारे रेलवे के एग्ज़ाम और भी अदर एग्ज़ाम SSC वगैरह का इन्वायरमेंटल इशू के लिए आपके लिए के सारा लेके आए थे, और इसका प्लेलिस्ट हमने अपने चैनल पे बना दिया है जिसका लिंक आपको इन्वायरमेंटल इशू का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर देखेंगे। और इस चैनल पर 1000+ क्वेश्चन होने वाले हैं, तो यहाँ से आपको सारे इन्वायरमेंटल के क्वेश्चन, IT के क्वेश्चन और कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन एक ही जगह मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 3 टॉपिक को हम हाईलाइट करके लेके आए हैं, हालांकि ये 4 टॉपिक है लेकिन 3 टॉपिक मेन है, जिसमें पहला टॉपिक है आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, जिसको NGT 2010 नियम के अनुसार से जानते हैं, इसके बारे में है। उसका नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम NAP के नाम से है, सफ़र जो भी इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है इसका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आपका इसी का पार्ट होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कहें या NAP में कहें, NAP में सबसे ज़्यादा कवर होता है। हालांकि टॉपिक को अलग अलग करना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और तीसरा एक और था एयर क्वालिटी सब इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम क्या 4 पैरामीटर माप करते हैं और सब एयर क्वालिटी में कितना करते हैं, यानी दोनों में यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 चीज़ें हैं, दोनों को कैसे मेजर करते हैं और मेजर करने के लिए सफ़र का क्या यूज होता है, क्या है ग्रेडेड रिस्पॉन्स सिस्टम ग्रैप, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इसी वीडियो को हम आपको एकदम डायरेक्ट आपके पॉइंट पे लेके आते हैं। तो हम ट्विटर बंद कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है, अपने वीडियो का थंबनेल भी बंद कर देते हैं, हम प्रश्न को लेके आ रहे हैं। तो इन्वायरमेंट वाला प्रश्न में पहले पार्ट में हमने बात जो कर लिया उसको स्किप करेंगे। पहले पार्ट में हमने प्रश्न नंबर 28 तक बात कर लिया था, पार्ट 1 में, जो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पार्ट 2 में हमने प्रश्न नंबर 53 तक बात कर लिया था, 53 तक। अब 53 से आगे हम 54 की बात करेंगे, और यहाँ से आगे तक 64 तक तो MCQ है और बाकी हम कंसेप्ट के रूप में पढ़ेंगे। हालांकि उसमें से 10 से 15 MCQ बन सकते हैं, तो कंसेप्ट हम बताते जाएंगे, आगे डिटेल करेंगे। तो ये जो लोग देखना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट से देख लें कि पहले का डाटा हमने ऑलरेडी 55 नंबर प्रश्न तक कवर कर लिया है। तो चलिए नीचे आते हैं स्पीड के साथ, थोड़ा से डिटेल में हमारा कहाँ तक हम पहुँचे हैं इन्वायरमेंटल के रिगार्डिंग। और ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया, और इसकी क्वालिटी आपको कम ही मिल पाती होगी रेलवे के एग्ज़ाम में खास करके। हालांकि दूसरे एग्ज़ाम का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रेलवे के एग्ज़ाम में तो इसको छोड़ ही देते हैं लोग करीब करीब, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए,
प्रश्न संख्या 55 पे आ चुके हैं, 54 तक हमने बात कर लिया था, आप लोगों ने देखा होगा रेड बुक किसके संबंधित है, किसका डाटा करता है, तो ये आपका थ्रेटनिंग स्पेसिस का है। उसके बाद हमारे पास 10 नंबर टॉप चलिए यहाँ पे 10 नंबर टॉपिक से हम शुरू कर रहे हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, जिसको आप सिंपल भाषा में एनजीटी कहते हैं। अब यहाँ से प्रश्न एक एक करके लाएंगे। 2010 में स्थापना हुआ, ये तो आप लोग जान ही जाएंगे कि 2010 से एक्टिव है। एक प्रश्न आ गया तो इसको भी आप ले लीजिएगा, यानी फर्स्ट प्रश्न यहाँ से। दूसरे प्रश्न हम 55 संबंध से बात करते हैं, कंप्लीट बैन हैज बीन प्लेस्ड ऑन द यूज ऑफ व्हिच मटेरियल गोमुखी टू हरिद्वार अलोंग द गंगा रिवर विथ इफेक्ट ऑफ फरवरी 1 बाई एनजीटी 2000 फरवरी 15 होगा 16 होगा, इससे हमें लेना नहीं है, डेट का नहीं है। देखिए सबसे चीज़ है कि इसका मतलब क्या है, एनजीटी ने क्या बैन किया है इसको समझिएगा। तो देखिए यहाँ दो चीज़ है, रबर प्लास्टिक POCU। कई बार लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि रबर भी इसमें आएगा क्या, एक मिनट में इसको थोड़ा सा साइड करूँ, हाँ तो रबर भी आएगा क्या, तो देखिए रबर बैन में नहीं है, ये हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसको बहुत जगह इम्पोर्टेंट है। हाँ PUC और प्लास्टिक को बैन किया गया है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ BNC। तो यहाँ पे सही आंसर बोथ एन जी, प्लास्टिक और PUC दोनों को बैन किया गया था। और ये किसने किया था ये पूछ दे तो एनजीटी ने बहुत सारे को बैन किया है, उसके बारे में और भी देखेंगे। दूसरा प्रश्न आपका है, इन विच रीजन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2015 उसी की बात कर रहा है, इम्पोज ए कम्प्लीट बैन ऑफ बर्निंग ऑफ वेस्ट इन ओपन इंक्लूडिंग गार्बेज लीव प्लास्टिक एंड कॉप रेसिड्यूज। खुले वातावरण में क्या क्या बैन कर रहा है, खुले वातावरण में जलाना, ध्यान दीजिएगा, कूड़े कारकेट को, पत्ते पेड़ के पत्ते को, प्लास्टिक को, और क्रॉप यानी खेतों से निकलने वाले पराली या पुआल कह सकते हैं, पराली बोलते हैं उसकी, वगैरह वगैरह जितने चीज़ों को खुले वातावरण में जलाने के लिए बैन किया है एनजीटी ने, किस एरिया के लिए। तो कुछ लोग सोचेंगे कि कन्फ्यूजन होगा, लेकिन कुछ लोग कह देंगे हरियाणा में भी हुआ था, तो हरियाणा में भी बैन है, पंजाब में भी बैन है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है इसका दायरा कहाँ आता है, तो दिल्ली NCR को इसको मेन रीजन माना जाता है, और ये ठंड के मौसम में बहुत बड़ी प्रदूषण होती है, उसके लिए ये प्रयास था। अब चलिए 57 नंबर प्रश्न, NGT ट्रिब्यूनल हैज बैन द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग लेस देन, कितनी साइज के कम को प्लास्टिक को इंटायर कैपिटल और दिल्ली एरिया के लिए बैन कर दिया गया है, NGT एरिया में बैन कर दिया गया है, NGT द्वारा नेशनल कैपिटल एरिया में बैन कर दिया गया है, यानी पतली, सबसे पहले तो इसको देखेंगे किसके टर्म में है, पतली प्लास्टिक को बैन किया गया है, तो कौन सी, थैली जिसको दूध सब्जी फल या भोजन ले जाने के लिए लोग सर्व करते हैं, उस प्लास्टिक की पैन को कितने से कम को बैन किया गया है, बहुत जल्दी ज़रूरी है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 50 माइक्रोन से कम को यूज करना बैन कर दिया गया है, इससे ज़्यादा आप यूज कर सकते हैं, इसका कारण क्या है, आप सवाल पूछिएगा कि NGT ने ऐसा क्यों किया, इससे तो सब लोगों को नुकसान होता है। देखिए नुकसान होता है, लेकिन इसका नुकसान किससे है, पर्यावरण से, और हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, पर्यावरण को बचाने के चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी इन्वायरमेंटल इशू और उसका इफेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो ये प्रश्न इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो कहिएगा कि 50 माइक्रोन से ज़्यादा का अंतर नहीं पड़ेगा क्या, तो ये क्या होता है, रिसाइकल का वेस्ट होता है, इसको रिसाइकल हो जाता है और एक बार से ज़्यादा यूज कर सकते हैं, इसलिए 50 माइक्रोन से ज़्यादा को अलाउ कर दिया गया है अभी, हालांकि खतरनाक ये भी है, लेकिन रिसाइकिल होने के कारण से इसकी खतरा कम हो जाती है। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर होगा ए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, अगला प्रश्न हमें क्या बुलाता है, तो अगला हमारे पास 58 नंबर प्रश्न है, NGT हैड बैन काइट स्ट्रिंग मोड ऑफ व्हिच मटेरियल, पतंगों से क्या क्या नुकसान हो सकती है,
हम रेलवे वाले हैं तो रेलवे वाले किस पे ध्यान देंगे, वोची ओवरहेड इक्विपमेंट, कभी आपने देखा होगा वोची के आसपास से तार आती है जिससे बिजली का पेंटोग्राफ आपका इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन का आती है, उससे क्या होता है जब आपकी ये काइट वाली जो मंझा होती है वो फेज और जो आपकी पोल स्ट्रक्चर वगैरह है उसमें टच करता है तो आपकी वोची ट्रिपिंग हो जाती है जिससे ट्रेन की भी सप्लाई लॉस हो जाती है। उसी को यहाँ बोला जा रहा था किसको मटेरियल को बैन किया गया है। और कई बार आपने सुना होगा कि नॉर्मल कंडीशन में कि इससे कभी किसी के गर्दन कट गए, किसी का कुछ और कट गया और किसी के नुकसान हो गया, ये और इन्वायरमेंटल का भी इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ रही है। तो कौन सा चीज़ें हैं, तो यहाँ सारी चीज़ें हैं ना, देखिएगा नाइलोन एक एक करके देखिएगा, नाइलोन प्लास्टिक एनी सिंथेटिक मटेरियल सब बंद कर दिया है कि काइट स्ट्रिंग में जो यूज होने वाले थे सबको बैन कर दिया गया है। लास्ट ऑप्शन डी है और एक किसके द्वारा है, एनजीटी के द्वारा। तो कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी मिलेगा, मिलता है तो देखिए ऑफिशियल नहीं है, अगर कोई गलत तरीके से कुछ कर रहा है तो गलत ही है, लेकिन ऑफिशियल रूप से ये बैन है। तो चलिए अगले बात करेंगे, एनजीटी हैज बैन ए ओपन डिफेक्शन एंड डंपिंग वेस्ट इन दी फ्लूड प्लेन ऑफ व्हिच एरिया। आपने देखा होगा खुले में शौचालय करना या वहाँ पे कचरा डालना वगैरह वगैरह वगैरह, पूजे के सामान डालना और सारी चीज़ें का इशू था, दिल्ली की बात हो रही है। तो एनजीटी ने दिल्ली में इसको बंद कर बैन कर दिया था और बैन अभी भी है, जिसको बोलते हैं यमुना रिवर। तो यमुना रिवर में कोई भी मटेरियल को बाहर से ला कर डंपिंग करना और इसके किनारे शौचालय करना बैन कर रखा है। तो ये भी एक प्रश्न है, कई बार आ चुका है। और यमुना का स्तर आपने देखा होगा प्रदूषण का बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो ये भी एक प्रश्न में आता है। 60 नंबर प्रश्न में चलेंगे, एनजीटी हैड इंडिकेटेड विच मेजर इन द एयर पोल्यूशन रीच ए सीवियर लेवल। अगर हमारी पोल्यूशन लेवल सीवियर पहुंच जाएगी, जो नीचे प्रश्नों में हम बात करेंगे, तब क्या एक्शन लेगा एनजीटी उसके बारे में है। तो एक्शन के बारे में भी हम जब बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे, ग्रैप ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान इसके बारे में भी बात करेंगे। 2017 का यह प्लान है, इसके बारे में भी थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेंगे। हालांकि इतना डिटेल में आपका रेलवे वगैरह में नहीं आता है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए इसके टॉपिक को। तो यहां क्या करेगा, स्प्रिंकलर इन वाट आर चोपर, स्काई में पानी का छिड़काव करना, बिल्कुल सही जवाब है। स्टॉपिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, घर बनाते हैं तो आपका क्या है PM10 और PM2.5 बहुत सारा मात्रा में निकलती है, तो जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट है उसको बंद करना। शटिंग डाउन ऑफ द पोल्यूटिंग पावर प्लांट एंड जनरेटर, जनरेटर से धुआं निकलती है वो भी पोल्यूशन का पार्ट हो जाता है, और पावर प्लांट से तो आप जानते ही कितनी निकलती है। और फाइनल रूप से कह दें तो एक ही आंसर मिलेगा, ऑल ऑफ दी अबव, सब कुछ करना है। और इसको ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे। अगले बात करते हैं, हुई बैन है जी मांझा, अभी काइट मटेरियल का बात किए थे पतंग से रिलेटेड, अब यहाँ पे मांझा को बैन करने के लिए है जो पतंग को उड़ाने में काम देता है, किसने बैन किया है। तो ये प्रश्न तो ऑलरेडी लगभग हमने पहले ही कवर कर लिया, क्या बोलेंगे एनजीटी। चलिए अगले प्रश्न में 61 के बाद 62 हमारे पास 62 नंबर आएगा, लेकिन इसका टॉपिक चेंज है थोड़ा सा। हालांकि ये टॉपिक को अलग करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसलिए कर लिया है कि इसको समझिएगा। नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम नैम, इसके बारे में, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन हम हाईलाइट करके छोटे छोटे चीज़ों को लाए हैं। तो नैप अभी क्या कर रहा है, 344 सिटी या इससे ज़्यादा भी हो चुका होगा, 29 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी में एयर क्वालिटी को मेंटेन करता है। ध्यान दीजिएगा एयर क्वालिटी का, और एयर क्वालिटी में क्या क्या प्रदूषण हो सकते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं उसी का है। तो नैप ने कह रहा है कि 104 ऑब्जर्वेशन करता है, 104 ऑब्जर्वेशन ईयर कवरिंग और ईच स्टेशन 104 पैरामीटर को, उसमें से 4 पोलिटेंट हैं जो एयर पोल्यूशन के कारण है इसको बताना है। हालांकि इसमें हमने ऑप्शन में ले लिया है, वो चारों के चारों है, तो हमने इसमें ऑल ऑफ दी अबव नहीं लिया है। तो आंसर लिखिएगा ऑल ऑफ दी अबव, लेकिन आप जानकारी के लिए रखेंगे कि क्या क्या नैप मेजर करता है। तो इसमें से एक पोलिटेंट आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, हमने इसके बारे में फर्स्ट वीडियो के पार्ट में डिटेल में पढ़ा था कि कौन कौन से मेटल पार्ट है जो हमारे लिए नुकसानदेयक है। दूसरा आपका है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बहुत खतरनाक। उसके बाद सस्पेंडल पार्टिकल मैटर,
जिसको SPM के नाम से जानते हैं, और इसको खास करके किसके किस पे डिटेल दिया जाता है, 2.5 और PM10 दोनों के बारे में ये बहुत डिटेल से इसका बारे में पढ़ना होता है। और थर्ड इसमें है रिस्पिरेटेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेमीटर RSMPA। तो ये चारों टॉपिक है ना, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको मेन रूप से समझ लेंगे तो आपका प्रश्न हल हो जाएगा। कई बार आपको इसी को PM लेवल पूछ देता है डायरेक्ट, PM2.5 का मतलब क्या होता है, तो सस्पेंडेड एयर में सॉलिड जो लटके हुए रहते हैं उसकी माइक्रोन 2.5 माइक्रोन से कम वाला एक खतरनाक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक 2.PM10 है, ये भी बहुत ज़्यादा इशू उठता है। आगे देखेंगे इसके बारे में थोड़े से और डिटेल में, विच ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर मेजर इन एयर क्वालिटी। तो देखिए यहाँ PM2 लिखा हुआ है, PM2.5, 10 जो अभी हमने डिस्कस यहाँ भी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, PM10 और 2.5 की, इसी की ज़्यादा जिक्र होती है। तो यहाँ पे आप आंसर कीजिएगा बोथ BNC, इसी को एयर में जितने भी पार्टिकुलेट मैटर होता है। और कई बार ये प्रश्न ये पूछा हुआ है, ध्यान से दीजिएगा, PM मतलब क्या है, और इसमें कई बार पूछ देता है PM मतलब क्या, प्राइम टाइम होता है, प्राइम मैटर होता है, प्राइम मैटर, और प्राइम मिनिस्टर भी लिखा हुआ मिल जाता है कई बार। तो ध्यान से देखिएगा, PM मतलब पार्टिकुलेट मैटर, ये भी एक प्रश्न है और ये बार बार प्रश्न पूछता है, इसको ध्यान से रखेंगे। मतलब स्मॉल एग्जाम का एक टॉपिक ये रहता है कि इसी को डायरेक्ट पूछ दिया जाता है उठा के। और किस में मेजर होता है, तो ध्यान दीजिएगा एयर में, कई बार इसे वाटर पोल्यूशन में वगैरह में पूछ देगा, तो ये सब ध्यान दीजिएगा, ये सब एयर पोल्यूशन के पार्टी है। उसके बाद 64 नंबर प्रश्न है, जो इस वीडियो में अभी लगभग कह सकते हैं ना लास्ट ही प्रश्न है, इसके बाद हम डिटेल में स्टडी करेंगे इसके बारे में कि ये कैसे कैसे होता है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए, परफॉर्मेंस ऑफ PM10 लेवल खाली स्थान रैंकिंग एंड इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वाला राज्य कौन सा है, ये बताना है PM10 के मामले में। 2.5 के मामले में कोई और सिटी के नाम आता है, कई बार आप देख लीजिएगा, हो सकता है आगरा और नोएडा कई बार मिल जाए, इसको भी आप एक बार ध्यान से देख लेंगे। तो 2.5 अगर PM की बात करते हैं तो नोएडा और आगरा की बात आती है, लेकिन PM10 की बात करते हैं तो हम न्यू दिल्ली और दिल्ली स्टेट दिल्ली शहर का नाम न्यू दिल्ली इसके बारे में आता है PM10 में, तो यहाँ पे न्यू दिल्ली आएगा। और ये न्यू दिल्ली एक अभी भी विश्व के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से, राजधानी शहरों में से भी एक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इससे पहले बीजिंग हुआ करता था, फिलहाल में अभी हमारा ही कंट्री का राजधानी है, ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम की बात है। अब चलते हैं, इसके कुछ टॉपिक हैं जो हाइलाइटेड करके पढ़ेंगे। तो अभी हमने पढ़ा था नैप के बाद एक छोटी सी टॉपिक उसी में आती है, नॉन अटेंडमेंट सिटी। ध्यान दीजिएगा, जो मेट्रोपोलिटन सिटी होता है, यानी बड़े बड़े सिटी है, जैसे कि आपको एग्जाम दिला दूँ दिल्ली मुंबई कोलकाता और आगरा इलाहाबाद वगैरह वगैरह, यहाँ तो मॉनिटर हम कर देते हैं नैम के द्वारा, लेकिन कुछ ऐसे भी सिटी हैं जिसमें एयर क्वालिटी अभी भी सही है लेकिन मॉनिटर करने की ज़रूरत है, उसको इसमें नॉन अटेंडमेंट सिटी में जाते हैं। और 120 सिटी के नाम से होता है, और इसको रखा गया है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP। इसको भी आप थोड़ा सा खाली नाम जान लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें क्या क्या क्वालिटी मेंटेन होता है इसके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी होता है। तो नॉन अटेंडमेंट सिटी की बात में हमने जो सिलेबस सबसे पहले आपके पास शेयर किया था उसमें हमने बात किया कि नॉन अटेंडमेंट सिटी भी बहुत ज़रूरी है, तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में इसको मेंटेन किया जाता है और लगभग 122 सिटी के लिए ये मेंटेन करता है। चलिए अब इसके बाद आपका एयर पोल्यूशन के ही 2-3 पैरामीटर हैं, उसको हम कवर कर लेते हैं। तो पहला पैरामीटर है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसी से सारे प्रश्न निकल के आते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं सब इसी के लिए हैं, जिसको 6 कैटेगरी में बांटा गया है, 6 भाग में मेन रूप से बांटा गया है। और 6 भाग को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो भाग हमारा एयर क्वालिटी वैल्यू और एयर क्वालिटी इंडेक्स के रूप में दिखेगा, उसकी कलर भी दी गई है। लेकिन उसके दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे PM2.5 का, और एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर रखा है, ये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान
है ही क्या, और 2017 में लागू हुआ था तो इसका मकसद क्या था और कैसे काम करता है इसके बारे में है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें किच करेंगे, यानी ये पोल्यूशन कंट्रोल का एक्शन है। एक्शन मतलब समझ रहे होंगे, उस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कब करेंगे वो बहुत एक रिलायबल करके मैंने यहाँ लाया है। तो देखिए सबसे पहले है आपके पास, देखिए एक मिनट इसको नीचे कर दूँ, अगर एयर क्वालिटी आपकी गुड है तो इसकी कलर आप जानते ही होंगे, ग्रीन होता है सिग्नल गो, और एयर क्वालिटी वैल्यू कितनी है 0 से 50, इसमें 2.5 भी हो सकते हैं, PM10 भी हो सकते हैं, आपका CO2 भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, सब मिला के जो एयर क्वालिटी वैल्यू एक इंडेक्स आ रही है वो 0 से 50 है तो इसको गुड कहते हैं। और कई लोग क्या गलती करते हैं, मैं यहाँ पे एक बार कलर चेंज करके बता दूँ कि दोनों को एक में कंबाइन कर लेते हैं कि ये एयर क्वालिटी वैल्यू दिया हुआ है और 2.5 दिया हुआ है, दोनों को मिलाने की कोशिश करते हैं कि 0 से 5 हो तो यहाँ भी 0 से 50 होगा। ध्यान दीजिएगा ये बिल्कुल गलत है, 2.5 और 2.10 को अलग से मेजर करते हैं और एयर क्वालिटी वैल्यू को किससे मेजर करते हैं, अलग पैरामीटर है। यानी ए क्या है, ये इन ये टोटल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है टोटल है, और आपका PM10 और वगैरह वगैरह क्या है ये इंडिविजुअल है, यानी अपनी एक अलग वैल्यू रखती है। तो दोनों को अलग करके रखिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अगर बताइए, अगर आपकी शहर की एयर क्वालिटी गुड है, ग्रीन श्रेणी में 0 से 50 है, तो ग्रेडेड एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो आप कहिएगा नहीं, तो हमने यहाँ भी ब्लैंक रखा है। PM2.5 कुछ भी होगा, जब आपका टोटल मात्रा ही कम है तो 2.5 और 10 कितनी भी हो वो 0 और 50 से नीचे ही होगा, तभी तो इतना आया टोटल में। उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री यानी एलो, यहाँ 51 से 100, और इसमें भी कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी हमारे लिए सेहत पे ज़्यादा नुकसान करने वाला नहीं है। लेकिन ग्रेडेड एक्शन प्लान का पिक्चर शुरू होता है कब, जब हमारी एयर क्वालिटी पोल्यूटेड जोन में आ जाती है, जिसको मॉडरेटली पोल्यूटेड कहते हैं, यानी पोल्यूशन शुरू होती है, तो इसको ऑरेंज से डिफाइन किया गया है इसको कलर को, और इसकी लेवल 101 से 150 होता है, ये वैल्यू सेट किया हुआ है। अब इसमें देखिए, इसमें PM2.5 और 10.5 बढ़ जाती है, तो PM2.5 का वैल्यू कितना हो जाता है 6100-120 तक आ जाती है इस रेंज में, और PM10 101 से 350 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी यूनिट पूछ देता है, माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर में इतनी अगर बढ़ जाए, यानी इतनी कंसंट्रेशन जरूरी है, तब आपको ग्रेडेड एक्शन प्लान की ज़रूरी पड़ेगी। यानी पोल्यूशन होता है तो क्या ग्रेडेड एक्शन प्लान का पार्ट है, एक मिनट ये नीचे आ गया, मैं एक बार उसको ला लूँ, तो हमें क्या क्या ज़रूरत करने की पड़ेगी वो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको मैं एक बार ला लेता हूँ बड़ा करके आपके लिए उसी पार्ट को, कि क्या क्या एक्शन लेना गया। तो देखिए क्या होगा, ये कब होता है, इसकी कारण है, इसका कारण है कि सबसे पहले एक मिनट इसको थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, हैवी फाइन्स एंड गार्बेज बर्निंग, बहुत ज़्यादा गार्बेज की बर्निंग हो रही है तब होगी। तो क्या क्या एक्शन होगा, क्लोज इन्फॉर्मेंस पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन एंड ब्रिक क्लींस एंड इंडस्ट्री, ईंट भट्टे को बंद कर दिया जाएगा, चिमनियों को बंद कर दिया जाएगा, और इंडस्ट्री को भी कंट्रोल करने के लिए जो गार्बेज या फाइन पार्टिकल मैटर निकालते हैं उनको बंद करना है। उसके बाद है स्वीपिंग ऑन रोड विथ हैवी ट्रैफिक एंड वाटर स्प्रिंकलिंग, रोडों पे पानी छिड़कना है जिससे पार्टिकल मैटर आगे नहीं बढ़ेगा। आपने देखा होगा दिल्ली जैसे शहरों में, आपने देखा होगा दिल्ली जल बोर्ड तो नहीं कह सकते, आपका NGT या किसी ऑर्गेनाइजेशन की गाड़ियां टैंकर में पानी लेके सुबह शाम रोडों पे छिड़काव करती है, ये क्या करता है, PM लेवल को PM2.5 और PM2.10 को कम करने का है। उसके बाद ट्रैफिक को भी डाइवर्ट करके स्वेपिंग करना है, क्लीनिंग भी करना है, डाइवर्ट भी करना है, सब कुछ है। उसके बाद स्ट्रिक्टली इन्फोर्सिंग बैन इन फायर क्रैकर, शादियों ब्याह से लेकर सभी चीज़ों में बैन कर दिया जाता है फायर क्रैकर वगैरह को, ये किसका पार्ट है, ग्रेडेड एक्शन प्लान का, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हमारा कह रहे हैं कि हम अभी तो पोल्यूशन स्टार्ट हुआ था लेकिन वो पुअर में चला गया, रेड जोन में चला गया, 151 से 200 हो गया,
तब क्या करेंगे, उस कंडीशन में पीएम लेवल और बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा 121 से 250 पीएम 2.5 और पीएम 10 351 से 430 तक आ जाएगी, ये बहुत ज़्यादा मात्रा है। तब क्या होगा, जितने भी डीजल जनरेटर सेट है वो ग्रेडेड एक्शन प्लान के तरह है, इसको बंद कर दिए जाएंगे। पार्किंग का फीस बहुत ज़्यादा ले लिया जाएगा 3 से 4 टाइम, तो लोग कहते हैं पार्किंग के फीस लेने से क्या होगा, तो होगा कि गाड़ियां रोडों पे कम निकलेगी, यानी कहीं खड़ा करने का जगह नहीं मिलेगा, तो घर से लोग 1 से 7 2 3 हो के निकलेंगे, थोड़े कंबाइन हो के निकलेंगे, फीस ज़्यादा होने के कारण से उसका उपयोग कम होगा तो पॉल्यूशन लेवल कम होगा। मेट्रो और बस जो कॉमन सर्विस है जिसमें एक से ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं, 8, 10, 20, 50, 100, 1000 तक करते हैं, उनके सर्विस को बढ़ाया जाना है। उसके बाद है सारे जितने लोग हैं घरों में अपने बर्निंग आग को कम करके इलेक्ट्रिकल हीटर वगैरह यूज करने का रिस्पांस दिया हुआ है। उसके बाद जिनको कार्डियक से यानी प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत है या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, उनको मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट आउटडोर में करने का एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है। उसके बाद अगले बात करेंगे, अगला टॉपिक है इसमें हमारा इसी में ही कि उससे ज़्यादा भी हो जाता है, यानी वेरी प्योर, इसको पर्पल भी बोलते हैं कलर में, 201 से 300 एयर क्वालिटी आ जाती है, लेकिन पीएम 2.5 और पीएम 10 की मात्रा 430 तक 10 की और 2.5 की 210 तक बढ़ जाती है, तब क्या करेंगे। तो पहले वाले तो सारा करेंगे ही, हम जितने भी भट्टी वगैरह था, ईंट बनाने का क्लीन चिमली था, वो भी बंद होगा, मिक्स प्लांट भी बंद हो जाएगा, स्टोन क्रशिंग जिसको बदरपुर आप लोग बोलते हैं, बदरपुर बनाने का जो पत्थर क्रश करने का, ये सारे प्लान बंद हो जाएंगे। मिनिमाइज पावर जनरेशन फ्रॉम नेचुरल गैस, रिड्यूस जनरेशन फ्रॉम कोल, यानी मैक्सिमाइज सॉरी जनरेशन नेचुरल गैस से जो भी पावर प्लांट है उसको बढ़ा के कोल वाले को कम करना है, जिससे कोल से प्रदूषण यानी थर्मल पावर प्लांट को कम करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आने को लाना है। उसके बाद है रोड क्लीनिंग और स्प्रिंकलिंग, तो सब जगह चलते ही रहेगा क्योंकि पीएम लेवल इससे भी कम होती है, ये 4-5 रिस्पॉन्स बढ़ जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा भी सीवियर में चला जाएगा तो इसको मैरून करण दिया जाता है, जिसको 301 से एबव एयर क्वालिटी इंडेक्स और पीएम मीटर 300 क्यूबिक मीटर और पीएम 10 मीटर 500 क्यूबिक से चले जाता है। और उसमें क्या होगा, तो क्या करना है, दिल्ली में कोई बाहर से गाड़ियां आती है, ट्रैक वगैरह सबको एंट्री बंद। स्टॉप कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क, जितने भी घर वगैरह आपने देखा होगा सर्दियों में, कहते हैं सारी चीज़ बंद हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे तो इंट्रोड्यूस ऑड इवन फार्मूला, आपने देखा ही होगा दिल्ली में कि एक दिन इवन नंबर वाली गाड़ियां निकलेगी, दूसरे दिन ऑड नंबर वाली, ये भी एक दो बार हो चुकी है, जिससे व्हीकल की रोड पे कमी हो जाएगी। टास्क फोर्स टू डिसाइड एनी एडिशनल, स्कूल भी बंद करना है, क्या करना है, सब कुछ करना पड़ेगा। अब यहां पे देखें आपने कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स प्लान कैसे हमारी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग से किया हुआ है, हालांकि ये दिल्ली जैसे शहरों और बाकी में ज़्यादा हो रहे हैं, बाकी शहरों में थोड़ा इसके कम है। अब एक लोगों का सवाल आता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैसे याद करें। देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स को दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला भाग है गुड से लेके पुअर तक, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से गुड से लेके पुअर तक, यहाँ तक हर बार 50 इंक्रीज होती है, यानी इनकी रेंज है वो 50 का है। तो आप ध्यान दीजिएगा, गुड में 0 से 50, 50 के बाद 51 होगा तो सेटिस्फैक्टरी में, फिर 101 से आएगा तो मॉडरेट पोल्यूटेंट में, और पुअर में जाएगा तो 151 से 200, ये चारों में 50 का रेंज है। इसके बाद अगला रेंज है पार्ट टू में, वो 100 का है, ध्यान दीजिएगा, यही कन्फ्यूजन हो जाता है, लोगों को गलत कराते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे आपका शुरुआत होता है आपकी पुअर के बाद से, वेरी पुअर और सीवियर, वहाँ पे आप देख सकते हैं आपका 201 से 300 है, और 301 से जितने भी सारे हैं ये सीवियर में आते हैं, और कई जगह तो आपको ये मिलेगा एक्सट्रीम सीवियर, वो और 500 से ऊपर ही दिखाते हैं, उसको भी लेवल को देख लीजिएगा। अब एक और हो गया कि ये तो आपके 6 मेन कैटेगरी है एयर क्वालिटी के, क्या थे ये हमने अभी बात किया था, एयर क्वालिटी के मेन 6 कैटेगरी ये हैं, जिसमें गुड से लेके हमने एक्सट्रीम तक बात किए थे एयर क्वालिटी इंडेक्स की, लेकिन इसकी सब कैटेगरी भी है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे, जो सफेक्स द्वारा मेंटेन होता है। तो ये कौन कौन से हैं सब कैटेगरी, इसको ध्यान दीजिएगा,
ये सब कैटेगरी में आपका आ जाएगा। नीचे की तरफ हम इसको डिटेल में देखेंगे, थोड़ा हमने एक डाटा ले रखा है उसको समझेंगे थोड़ा। तो यह एयर की सब इंडेक्स क्या क्या है, जिसमें 8 पोल्यूटेंट हैं जो हमारी एयर क्वालिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। PM10 तो देखा ही आपने ऊपर, PM2.5 देखा ही, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, HW5, अमोनिया और यहाँ पे PV लीड शॉर्ट टर्म। अब यहाँ पे देखिए 24 आवर के टाइम पीरियड में इसको नापा जाता है, और अभी तक हमने ऊपर जो बात किया था वो 48 आवर का डाटा लेना होता है PM वगैरह के टर्म में, अगर गुड मॉडरेट करना है तो। कई जगह 24 आवर में भी लिया जाता है मैंने देखा है, लेकिन कुछ कुछ डाटा 48 में ही होता है। तो इसको शॉर्ट टर्म बोला गया, ऊपर वाला को थोड़ा लॉन्ग टर्म बोला गया है। कई डाटा तो 8 आवर में भी लिया जाता है, 8 आवर को ही मान लिया जाता है ऑफिशियल। तो इसको कौन मेंटेन करता है, तो यहाँ पे देखिएगा सफ़र इंडिया, सफ़र इंडिया में इसको पूरी तरह से देखेंगे। सफ़र इंडिया का फुल फॉर्म क्या है तो हम नीचे आपको ये लिए लेके आए हैं, जिसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्ट एंड रिसर्च, इसके में आता है ये सब कैटेगरी। तो ये किसके द्वारा मेंटेन होता है, यहाँ पे देखिएगा सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ये किसके द्वारा मेंटेन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे द्वारा ये मेंटेन होता है। उन्हीं का डाटा भी लिया हुआ है ऊपर में, क्रेडिट उन्हीं के लिए है कि उन्हीं के डाटा लिया हुआ है, जिसमें 6 चीज़ों को कैसे मेंटेन करते हैं इसके बारे में थोड़े थोड़े देख लीजिएगा। हालांकि इतना डिटेल में इसके बारे में आता नहीं है, एयर क्वालिटी रेंज के बारे में। तो इसमें भी मॉडरेट, सेटिस्फैक्टरी मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर का कैटेगरी है, जिसमें लेवल बढ़ते जाएगा, हाई और लो का दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो हमने जो पढ़ा था वही है, ज़्यादा इसमें चेंज नहीं है, लेकिन इसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिए 50 से 100, 100 से 200, यानी पहला रेंज 50 का, दूसरा रेंज 100 का हो गया। उसके बाद तीसरा रेंज के बारे में देखेंगे तो तीसरा रेंज देखिए 100 का, और उसके बाद वेरी पुअर 100 का, तो दोनों का डिफरेंस रेंज है। और उसके बाद इसमें आप देखेंगे PM10 की मात्रा इन्होंने दिया है, PM10 की मात्रा अलग है, PM2.5 का अलग है, NO2 का अलग है, O3 का अलग है, वो जोन जिसको बोलते हैं आपका CO का अलग है। ये 8 घंटे 8 घंटे मिलने हैं, 24 घंटे 24 घंटे मिलने हैं, CO2 8 घंटे और O3 ओजन 8 घंटे, और बाकी डाटा है 24 घंटे का लेना है। तो ये डिटेल है और इसके बारे में हम बात अभी तक कर चुके हैं एयर क्वालिटी में। हालांकि अगला टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है, द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें टोटल आ जाता है इन्वायरमेंटल में, हालांकि एयर भी उसमें सम्मिलित है। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस में भी एयर है, इसको आगे डिटेल में हम बात करेंगे 3-4 को। उसके बाद और भी टॉपिक है, व्हीकल एमिशन नॉर्म्स, उसके अलावा आपके पास पड़ता है इंटरनेशनल ट्रीटी क्विटो को और मोनेस्ट्रियल, दोनों का बचा वो मोनेस्ट्रियल का दोनों का है, एशियन ब्लो डाउन है, ये वगैरह है, BOD COD है, एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह वगैरह है, ये टॉपिक अभी बचे हुए हैं। तो अभी तक हमने 3 पार्ट का वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। डायरेक्ट रूप से अगर कहें तो प्रश्न नंबर 64 तक आए हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में कहें तो हमने यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिया है। तो ये था डिटेल इस प्रश्न का, इस वीडियो में हमने बस यहीं तक रखते हैं। हम इसको शुरुआत किए हैं कहाँ से लेके, तो यहाँ से हम 55 से लेके आगे तक शुरुआत की है। थैंक यू, धन्यवाद।